आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के आशीर्वाद व निर्यापक ब्रह्मण मुनि श्री 108 प्रसाद सागर जी महाराज ससंग के पावन सानिध्य में आयुर्वेद होम्योपैथिक एवं एक्यूप्रेशर विधि द्वारा स्वास्थ्य शिविर का भव्य आयोजन दिनांक 3 सितंबर मंगलवार को प्रातः 9:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक चंद्रोदय भवन संगम कॉलोनी में आयोजित किया गया, जिसमें 450 लोगों ने अपना निःशुल्क रजिस्ट्रेशन कराकर स्वास्थ्य लाभ लिया। विशेष रूप से आयुष विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा सर्दी खांसी बुखार हाथ पैर में दर्द डेंगू मलेरिया आदि ऋतु संबंधित सभी बीमारियों का निःशुल्क इलाज व दवा वितरण किया गया। डॉक्टर मयूर जैन द्वारा एक्यूप्रेशर विधि द्वारा इलाज किया गया, जिसमें नाड़ी वैद्य द्वारा नाड़ी परीक्षण विशेष रूप से किया गया। के द्वारा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन संगम कॉलोनी जैन मंदिर प्रांगण में किया गया, जिसमें आयुष मंत्रालय का विशेष सहयोग हमें प्राप्त हुआ और जिसमें होम्योपैथिक आयुर्वेदिक और विभिन्न प्रकार की ऋतु संबंधी बीमारियों को लेकर इसमें दवाइयों का वितरण व स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर लगाया गया और अनुभवी डॉक्टरों ने इसमें अपना सहयोग प्रदान किया। और अभी तक लगभग 250-300 लोगों ने अभी चेकअप करा लिया है अपना। अभी संख्या तो 100 के और ऊपर जाएगी। अभी जिनके लोगों के लिए यहाँ पर शिविर लगाया गया, सभी यहाँ पर सभी बीमारियाँ ऋतु संबंधी सर्दी खांसी बुखार हाथ पैर में दर्द चिकनगुनिया डेंगू मलेरिया जैसी संबंधित ऋतु संबंधित बीमारियों के लिए शिविर आयोजित किया गया। मैं जैन नवयुग सभा से प्रधानमंत्री शुभम जैन। आज जैन नवयुग सभा के द्वारा संगम कॉलोनी जैन मंदिर में सर्दी खांसी बुखार हाथ पांव में दर्द डेंगू मलेरिया बीपी का शिविर लगाया गया है, जिसमें यह शिविर निःशुल्क लगाया गया है और यह शिविर में निःशुल्क दवा वितरण भी की गई है। इसमें अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले चुके हुए हैं। अभी यह शिविर 3 बजे तक चल रहा है, जिसमें और लोगों के आने की संख्या और बढ़ेगी। हाँ, और ये प्रथम बार जैन नवयुग सभा द्वारा यह शिविर लगाया गया है। कौन कौन से डॉक्टरों को यहाँ पे योगदान दिया? यहाँ पे कई डॉक्टर हैं जिनका नाम होम्योपैथिक आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर नाड़ी विशेषज्ञ पूर्ण आयु सभी को डॉक्टर आए गए हैं। ऐसे कई डॉक्टर हैं जो अपना सहयोग दे रहे हैं। मैं जैन नवयुग सभा से एडवोकेट अतीशा जैन मंत्री।